चैत्र मासे चैत्र शुक्ल पक्षे शुक्ली महाब्रह्मणि बसंत ऋतु हो बसंत ऋतु हो भौमवासर युक्ताया मा भौमवासर युक्ताया महा शुक्ल पक्षे मृगशिरा नाम नक्षत्र हे सौभाग्य नाम योग हे वाणिज्य नाम करण हे तथा च यजमानस्य गोत्रस्य यजमानस्य गोत्रस्य कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य वृश्चिक राशि उमेश राशि उमेश चंद जी शर्मणा सपत्नी को हमने लीजिए दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा च कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तुम्हें राशि किस है कन्या कन्या राशि मम देवी आगे लीजिएगा दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तथा च अश्विन ज्येष्ठ पुत्रस्य आगे लीजिएगा तुला राशि मकर राशि जगन्नाथ जी शर्मणा सपत्नी दीर्घायु फलावार्थम्मा तथा च कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तथा च मम ज्येष्ठ पुत्रस्य मम ज्येष्ठ पुत्रस्य पुत्रस्य मम पौत्रस्य कह लीजिएगा बताइए उनके बच्चों का नाम ज्येष्ठ राशि राशि नैना नाम की बालिका दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तथा धनु राशि भानु प्रताप बालकस्य दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तथा तुला राशि रुद्र नाम बालकस्य दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य मकर राशि जीवन जन बालकस्य दीर्घायु आरोग्य फल प्राप्त अर्थमा तथा कृष्णादि गोत्रोत्पन्नस्य तथा मेघादि मीन पर्यांतानाम सौ कुटुंब जनानाम सौ मित्र जनानाम सौ बंधु जनानाम सौ पुत्र जनानाम सौ पौत्र जनानाम सौ बंधु जनानाम मेघादि मीन पर्यांतानाम द्वादश राशि नाम अंतर्गत मेघ वृख मिथुन कर्क सिंह तुला कन्या वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन द्वादश राशि नाम अंतर्गत यजमान गृह मम गृह कह लीजिए रोग भय कष्ट दुख दारिद्र निवारणार्थम तथा च सुफल प्राप्त अर्थम तथा च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम चिरकाल लक्ष्मी संरक्षण तथा जो विशेषतः अद्य दिने मम गृह मंडल मध्ये कह लीजिएगा श्री गणपति अम्बिका पूजन करिष्यमाण तदपूर्वांगत्वेन ब्राह्मण द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती मध्यम चरित्र पाठ करिष्यमाण तदपूर्वातम निमित्तकमा सर्वप्रथम गणेश्वर अम्बिकाभ्याम सर्वदा आवाहनम पूजनम च करिष्योम तत्सत् नामामा उसी में छोड़ दीजिएगा गणेश जी को आसन से उठा के कुंडी में रखो।